हैं और वो अपने काम में माहिर है। वो मुझे चांदनी चौक ले जाएंगे जहां हम कुछ ट्रेडिशनल डिशेस खाएंगे और उसके बाद मैं लकी हूं कि मैं उनके साथ कुछ डिशेस भी बनाऊंगी। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूं। जब तक शेफ आदित्य नहीं आ जाते मैंने सोचा मैं रिक्शा में बैठकर घूम लूं, जो दिल्ली देखने का सबसे अच्छा साधन है, जैसे कि यहाँ की फेमस जगहें एंड ऑफ कोर्स यहाँ का लजीज खाना। और ये रेड फोर्ट मेरा फेवरेट बन चुका है, यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसी हैं आप? यहीं आसपास रहते हैं? मैं पहले यहाँ पर रहा करता था लेकिन अब मैं रोहिणी शिफ्ट हो गया हूँ, जहाँ पर वो होटल है जिसमें मैं काम करता हूँ, क्राउन प्लाजा नई दिल्ली रोहिणी। बहुत अच्छे। तो आपको भी काम पर पहुँचने के लिए लेट होता होगा क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ जो है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, लेकिन पहले मैं यहाँ पर नजदीक रहा करता था और अपनी साइकिल से यहाँ पर आता था कभी कभी बुक्स खरीदने के लिए। यहाँ पर नजदीक नई सड़क नाम की एक जगह है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होलसेल मार्केट है बुक्स के लिए, बच्चों के स्कूल की चीजों के लिए, और मैं यहाँ पर कई बार आता हूँ शेफ बनने के बाद भी। और आज मैं आपको ले जाऊंगा यहीं पास में पराठे वाली गली में। राइट, तो आप भी दूसरों की तरह हॉर्न बजाते रहते थे? आपको करना पड़ता है वरना आप कहीं जा नहीं पाएंगे। जा नहीं पाएंगे बिल्कुल। जब मुझे इस शो के बारे में पता चला, क्वेस्ट के बारे में, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये मुझसे जुड़ा हुआ शो है। मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि मैं कुछ नया करूं और उसी के साथ कुछ पुराने भूले हुए पारंपरिक पकवानों को एक नई पहचान दूं। मेरी जिंदगी दिल्ली में गुजरी है और यहाँ से जुड़ी कुछ बहुत ही अच्छी यादें हैं, कुछ पुरानी रेसिपीज है जिन्हें मैंने फिर से रिवाइव किया है, अपने मेन्यू में इंक्लूड किया है। आज जो मैंने दो रेसिपीज चुनी हैं वो थोड़ी अलग हैं और यही मेरा योगदान है इन रेसिपीज को विश्व स्तर पर ले जाना और उन्हें जिंदा रखना। तो आखिर हम इस जगह पहुंच गए और क्या आपने ये कभी ट्राई किया है इससे पहले? नहीं कभी नहीं। इसे कहते हैं गोलगप्पे। ये मजेदार पुचके हैं या आप इसे पफ भी कह सकते हैं। इसमें उबले हुए आलू डाले जाते हैं, चना और तीखा पानी डाला जाता है। बहुत चटपटा होता है और आपको इसे एक ही बार में खाना होता है। क्या? एक ही बार में जैसे शॉट लेते हैं। मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, वरना आप उसे निकल कैसे पाएंगे? भैया बनाना एक। ठीक है, पूरा खाना है? कोशिश तो करनी पड़ेगी। आप चाहे तो पानी वापस निकाल सकती हैं। हाँ वाकई ये पूरा एक साथ खा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या ये दिल्ली में बहुत मशहूर है? हाँ ये दिल्ली में बहुत ही मशहूर है। तो जब कभी आप गोलगप्पे खाते हैं तो उस टेस्ट को माइल्ड करने के लिए आप कुल्फी खा सकती हैं। ये एक तरह का डीप फ्रीजर है, इसका तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। पुराने जमाने का फ्रीजर? हाँ, ये दरअसल एक पुराने कॉन्सेप्ट पर काम करती है जिसमें हम अगर बर्फ में नमक डालते हैं तो वो बहुत जल्दी नहीं पिघलता। तो आप दरअसल ये कुल्फी यहाँ पर ऐसे स्लॉट्स में रख सकती हैं। ये रबड़ी की तरह होती है। रबड़ी मतलब कंडेंस्ड मिल्क। अलग अलग फ्लेवर्स डाले जाते हैं जैसे सैफरन वगैरह, और फिर ये स्टिक डालते हैं और जमने के लिए छोड़ दीजिए, और जब जम जाए तो इसे निकाल दे और फिर इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू। कुल्फी का इतिहास दरअसल मुगलों के जमाने का है, काफी पुराना है, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इसका जन्म यहाँ हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि आगरा में हुआ अकबर के शासन के दौरान। ये तभी से मशहूर है। तो और ये बहुत ही अच्छा डेजर्ट है, मुझे तो ये आइसक्रीम से भी ज्यादा पसंद है। टेस्टी है। इसमें तरह तरह के फ्लेवर्स आते हैं।
स्पाइसी आइसक्रीम। जो दो रेसिपीज आज मैंने चुनी है वो है पापड़ का पराठा और लहसुन की खीर। पापड़ का पराठा ये अलग डिश है। पराठा वैसे बहुत ही फेमस है जैसे नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, लेकिन पापड़ का पराठा ये अलग चीज है। ये नॉर्मल स्टफ पराठा जैसा नहीं होता है और ये देसी घी में फ्राई किया जाता है। आप चाहे तो किसी और चीज में भी इसको तल सकते हैं जैसे कि रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। आप पहले आटा लेते हैं और फिर उसे रोल करते हैं और फिर उस पर फैलाते हैं थोड़ा घी, कुछ मसाले जैसे अजवाइन, मेथी, मिर्ची और उसके बाद हम लोग उसके छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे, उसे डीप फ्राई करेंगे एक पैन में और फिर सारे टुकड़े बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे। आज एग्जीक्यूटिव शेफ आदित्य जेमिनी के साथ काम करते हुए मैंने कई बातें सीखी क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी है मुगलाई और लोकल दिल्ली पकवानों के बारे में और वो भी मेरे क्वेस्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्राउन प्लाजा नई दिल्ली में काम करते हुए इन्होंने ये रेसिपीज जो पारंपरिक दिल्ली की रेसिपीज है उन्हें शामिल करने की बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं जानती हूँ आज जो रेसिपीज हम बनाने वाले हैं ये हटकर और अनोखे हैं। अलग अलग फ्लेवर के हैं तो आप आलू का पराठा ब्रेकफास्ट में खा सकती हैं, चीज पराठा लंच में, बहुत सारे ऐसे पकवान हैं जो सालों से बन रहे हैं लेकिन समय के साथ वो बदल गए हैं और उन्हीं में से एक है पराठे। आज हम वही बनाने वाले हैं, पारंपरिक भारतीय पराठे जिसे तला जाता है क्लारिफाइड बटर या घी में। आज हम जो बनाने वाले हैं वो है पापड़ का पराठा जिसे अंग्रेजी में हम पॉपटम भी कह सकते हैं, जो दिलचस्प होगा और शेफ आदित्य मुझे बताएंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास है ये आटा, तो हम इसे गोलाकार बनाएंगे पहले। और ये आटा किस चीज का है? आटा दरअसल गेहूं का बना है जिसे हमने पानी में गूंदा है और इसमें थोड़ा नमक भी मिलाया है। तो पहले हम इसके गोले बनाएंगे, ओके। और अब मैं इसे बेलने वाला हूँ। क्या इसे हाथों से ही किया जाता है? हाँ, क्योंकि आप इसे और किसी तरीके से नहीं कर सकती। तो भारतीय पकवान बनाने हैं तो हाथ तो गंदे करने ही होंगे। और इसी तरह से आप इसे बेलिए। इंग्लैंड में लोग बहुत ही आलसी हैं, तो ऐसे बनाना बहुत अजीब लगता है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, भारत में लगभग हर महिला हाथ से आटा गूंधती है और इससे कुछ हद तक उंगलियों की कसरत भी हो जाती है। बिल्कुल सही। इसे कितना पतला बनाएंगे? ये साधारण पराठे से थोड़ा पतला बनने वाला है, लगभग चपाती की तरह। तो ये हो गया और अब बेलते हैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके, थोड़ा इसे खींचते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा घी डालूंगा। आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकती हैं। ओके। उसके बाद हल्का सा आटा इस पर छिड़केंगे, ओके। और थोड़ी मिर्च। तो मैंने इसमें डाली थोड़ी मिर्च, कुछ अजवाइन और थोड़ी सी मेथी, ओके। क्या हम स्वीट पराठा बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे नट्स और हनी के साथ बना सकते हैं। हम लोग पराठे बनाते वक्त रबड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे काट रहा हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ पोपेडम है, अलग अलग फ्लेवर के, कुछ पेपर के हैं, कुछ मिर्च के हैं। अब हम इसे क्रश करेंगे, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में। इससे पराठा काफी कुरकुरा हो जाएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, वो भी आपके हर निवाले में। एकदम छोटे टुकड़े करेंगे इसके पापड़ के, ये इस तरह से। और ये जो सारे फ्लेवर्स पापड़ के हैं वो सारे पराठे में आएंगे। यहाँ से हम लोग ने इसको छिड़का इसके ऊपर। ओके, अब मैं इसका एक एक टुकड़ा उठाऊंगा, सबसे पहले बड़ा वाला,
और एक के ऊपर एक रखूंगा। ओह अच्छा इस तरह से। हाँ हाँ ऐसे ही, ये ऐसे रखे, इसका कोई तरीका नहीं है, इसे आप जैसे चाहे रख सकते हैं। ये एक एक करके ये सारे जो है यहाँ पर रख दिया। ऐसा करने से क्या होता है? देखिए जब आप इसे पकाएंगी तो आपको पफ की तरह इफेक्ट मिलेगा, और हम बीच में घी भी डालने वाले हैं, और उसके बाद इन लेयर्स की वजह से आपको ये बहुत पसंद आएगा। सो ये आखिरी वाला और ये हो गया परफेक्ट। ओके और उसके बाद हम इसे नॉर्मल पराठे की तरह बेल देंगे, ठीक है? सो ये रहा, तेल जरा चेक कीजिए गरम हो गया। हाँ बिल्कुल। तो हम इसे इस तरह से बेल देंगे और फिर गरम तेल, घी, ऑलिव ऑयल जो आप चाहे उसमें फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी यूज किया है। आपने कहा हम बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन बटर में नमक होता है, इसलिए आप उसे पहले क्लैरिफाई कर देना अच्छा रहेगा। ये देसी घी में डाल दिया। इसे कितनी देर के लिए पकाना है? वेल, तब तक जब तक ये कुरकुरा ना बन जाए, लगभग एक मिनट या फिर कभी कभी दो मिनट। आपको इसे दोनों तरफ से पकाना है। क्या इसे सिर्फ ब्रेकफास्ट में खाते हैं? हाँ आप ये दिन में किसी भी वक्त खा सकती हैं। अलग अलग फ्लेवर के हैं, तो आप आलू का पराठा ब्रेकफास्ट में खा सकती हैं, चीज पराठा लंच में, और अगर आप चाहे तो डिनर में चॉकलेट पराठा डेजर्ट में। हाँ चॉकलेट पराठा डेजर्ट। अब आप सभी लेयर्स को देख सकते हैं, ये बिल्कुल पफ पेस्ट्री जैसा लग रहा है। इसे थोड़ा और फ्राई करना है। लगभग हो गया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। और अब इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या मैं चेक सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, टेस्ट करना होगा। कैलोरीज की चिंता मत कीजिए। ये हमने निकाल दिया बाहर इसे। अब इसमें से थोड़ा घी हम जाने देते हैं, इस तरह से। हम इसे किसके साथ खाएंगे? अचार के साथ या दही के साथ खा सकते हैं, दही में डुबो कर खा सकते हैं। देखिए ये कुरकुरा बन चुका है। हाँ इसका रंग बहुत ही अच्छा है। हाँ बिल्कुल, तो ये हो गया तैयार, हमारा पराठा रेडी है। सो हो गया, अब आप इसे ट्राई कर सकती हैं। थैंक यू। एक टुकड़ा उठाइए फिलहाल। क्या मैं इसे छोटा कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। ये बहुत बहुत स्वादिष्ट है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। गरम है ना? ये बहुत ही कुरकुरा है, शायद पापड़ की वजह से। ये एक पफ पेस्ट्री या बिस्किट की तरह लग रहा है। मैं इसे दही के साथ खा कर देखती हूँ। दही के साथ तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये पराठा बहुत ही अच्छा लगा। मैंने आलू पराठे बहुत खाए हैं, लेकिन पापड़ पराठा बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि कैसे एक ही पकवान में इतनी विभिन्नता हो सकती है, और ये जानकर खुश भी हूँ क्योंकि शेफ आदित्य ने मुझसे कहा कि पराठे में ज्यादा तेल नहीं जाता है, तो मैं पेट भर के खा सकती हूँ मोटापे की चिंता किए बगैर। अब चलते हैं दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग पराठे खाने के लिए। आपने कहा इसे ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लेकिन अभी तो लंच टाइम हो रहा है ना? इसे खा सकते हैं आप जब चाहे। आप पराठा ब्रेकफास्ट में खा सकती है, लंच में खा सकती है, डिनर में खा सकती है। अच्छी बात है।
खड़े हैं उसका नाम है गली पराठे वाली, जिसका मतलब है यहाँ बहुत सारे पराठे हैं। अगर मैं यहाँ बचपन से रहती तो मैं एक सुमो रेसलर जितनी हो जाती। हम एक दुकान जा रहे हैं जो यहाँ 6 पीढ़ियों से है, 1872 से। यहाँ हर तरह के पराठे मिलते हैं, आलू के पराठे, टमाटर के पराठे, और एक जो मैंने सोचा पेपर पराठा, मगर दरअसल वो तो एक पेपर पराठा है। तो शेफ आदित्य, हम क्या खाएंगे? वेल, यहाँ पर 45 तरह के पराठे हैं। आप जो चाहे, अनियंस, पोटैटोज, टमेटोज, उसमें स्टफ किए जाते हैं और रोल किए जाते हैं, और फिर देसी घी में इस बर्तन में फ्राई किए जाते हैं। इसे कढ़ाई कहते हैं, और इसका वजन लगभग 10 से 12 किलो होता है, और इतना भारी होने की वजह से ये काफी समय तक गर्म रह सकता है। तो बताइए क्या खाएंगी? मुझे चाहिए बनाना। बिल्कुल, क्यों नहीं। और इस बार हम थोड़ा स्वीट ट्राई करते हैं, रबड़ी वाला ट्राई करते हैं, कंडेंस मिल्क पराठा, ये थोड़ा अलग होता है। और एक रेगुलर ट्राई करते हैं, जैसे फेमस आलू पराठा। बहुत बढ़िया, ठीक है, लवली। पंडित जी, एक आलू का पराठा कर दीजिए, एक केले का कर दीजिए, और एक कर दीजिए आप रबड़ी का। देख सकते हैं यहाँ काफी भीड़ है और बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो इन लोगों ने मुझे मालिक की कुर्सी दी है बैठने के लिए। वेल, आपने ऑर्डर किया है बनाना वाला, तो ये है बनाना, और इसमें आपको मिलेगी रबड़ी, ठीक है, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपके प्लेट में क्या क्या है। ये बनाना पराठा है, आप देख सकते हैं इसमें बनाना और मिर्च है। आदित्य ने मुझे बताया कि यहाँ वनीला और सरसों के पराठे भी खाते हैं, जो काफी अनोखा कॉम्बिनेशन है। अच्छा लगा? यहाँ आपको कद्दू भी मिलेगा, फिर यहाँ पर आलू है, टमाटर भी है, और मटर है, हरी चटनी, यह है इमली की चटनी केले के साथ। ट्राई कीजिए, मैं खाना चाहूंगा स्वीट वाला। और इसके अंदर क्या है? यह है रबड़ी नट्स के साथ, मैंने कहा था ना कंडेंस मिल्क। ये देखिए कंडेंस मिल्क, इसे खा लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, कंडेंस मिल्क। ये चटनी तीखी है ना? ये चटनी बहुत तीखी है। ये मीठा और नमकीन मिक्सचर मेरे लिए थोड़ा अजीब है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज है। यहाँ सबसे मशहूर पराठा कौन सा है? आलू है, टमाटर है, प्याज है, सारे के सारे, ये बहुत ही फेमस है। आपने कहा इसे ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लेकिन अभी तो लंच टाइम हो रहा है ना? इसे खा सकते हैं आप जब चाहे। आप पराठा ब्रेकफास्ट में खा सकती है, लंच में खा सकती है, डिनर में खा सकती है। अच्छी बात है।